हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही सुंदर डिज़ाइन लेके आई हूँ फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो मेरा जो भी डिज़ाइन है वो एक यूजफुल डिज़ाइन है, आप उसको यूज करेंगे। तो देखिए, ये हमारे जितने भी हमारी ये वेस्ट कत्तर वगैरह रखी है, ये पीस रखे हुए हैं, तो ये हमारे जैसे कपड़ों में से सिले हुए कपड़ों में से जो बचे जाते हैं हमारे एक्स्ट्रा, तो उनको हमने यूज कर रहे हैं। तो ये देखिए मेरे तरह तरह के कपड़े हैं, एकदम मल्टी कलर सब तरह के। थोड़े थोड़े हमने छोटे छोटे टुकड़े ले लिए हैं और हम इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों का यूज करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी कुछ जैसे हम हमारे सूट के गलों में से पेस्टिंग बच जाती है, तो ये देखिए ये वे पेस्टिंग है। तो अब हम इन पेस्टिंग का भी यूज करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम इसका फूल बनाएंगे फ्रेंड्स। तो हम एक पेन ले लेते हैं या कलर ले लेते हैं जिससे हम आपको फूल बनाना सिखाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो आप एक ही साइज के फूल मत बनाइएगा फ्रेंड, जैसा आपसे बनाया जाए ऐसे ही बनाइएगा। कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई दो पत्तियों का, कोई देखिए इस तरीके से। तो हमारी ये सारी पेस्टिंग भी यूज होगी और हमारे सारे कपड़े भी यूज होंगे। तो ये हो गया फ्रेंड्स। और हम कुछ पीस में हमें छोटी छोटी पत्तियाँ बना लेंगे, जिससे कि ये एक दो पीस हमारे हो रह गए हैं, तो इसमें भी हम इसमें पत्तियाँ बना लेते हैं फ्रेंड्स। तो कुछ पीस में हम पत्ती का डिज़ाइन ले लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो ऐसे ही हमने कुछ ना कुछ फूल वगैरह हम दे देखिए मैंने कुछ पत्तियों का डिज़ाइन भी बना लिया है। तो अब हम सबको कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम इन्हीं पीसों के ऊपर रख के इनको प्रेस करेंगे। तो पहले मैं ये फूल वगैरह बना लेती हूँ और कट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने ये फूल कट कर लिए हैं, ये कुछ पत्तियाँ कट गई हैं फ्रेंड्स। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन कपड़ों को लेंगे और इन पे ये फूल प्रेस कर लेंगे। प्रेस करके फ्रेंड जो भी हमें कलर चाहिए, हम ये सारे कलर के फूलों पर कपड़ा नीचे रख के ऊपर से प्रेस कर देंगे। तो हम सारे इन पे प्रेस कर लेते हैं फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे सारे पीस तैयार हो गए हैं और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, अब जैसे हमने पीस ले लिया, अब इसको हम इसी की शेप में कट करेंगे थोड़ा थोड़ा, इस तरीके से फ्रेंड्स। ये इस तरीके से, और बीच में से हम यहाँ हल्का हल्का कट डाल देंगे। इस तरीके से, और ये हमारा जो पीस है इसको हम इस तरीके से अंदर कर लेंगे। तो मैं आपको सुई धागे की मदद से करके दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी सुई ले ली है, अब हम इसको इस तरीके से कर देंगे। ये हमारा अंदर की तरफ आ जाए। ये मैं आपको सुई से बता रही हूँ फ्रेंड, आप चाहे तो डायरेक्ट, अगर आपको आता है तो आप डायरेक्ट मशीन चला सकते हैं फ्रेंड्स। तुम्हारे पत्ते को इसको इस तरीके से बंद कर देंगे ताकि इधर से हमारी शेप आ जाए। तो ऐसे ही हम बाकी की भी कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो मैं इसको कर लेती हूँ फ्रेंड, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें कपड़ा अंदर फोल्ड कर देना है जिससे कि हमारे फूल की शेप ख़राब ना हो।
हमारा फूल की शेप तैयार है। तो ऐसे ही हमें इन सब पीसों के साथ करना है। और मैं आपको ये वाला पीस भी सिल के दिखा देती हूँ एक बार। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पीस कट कर लिया है। अब हम इस पीस को इस तरीके से हल्के हल्के से गोलाई देंगे। तो हम ऐसे ही सिलते करते रहेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ये आ गया है। अब हमें इस पीस को इधर से पकड़ना है। हम ये धग्गा भी पकड़ लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमने पतला धग्गा लिया है, तो इसीलिए इस तरीके से ये हमने देखो पीस इस धग्गे को खींच लिया है, जिससे कि अब हमारी ये शेप आ गई है। देखिए इस तरीके से शेप आ गई है। हम इस पर एक बार धागा, ये एक बार धागा फिरा लेते हैं। ये देखिए, ये एकदम अच्छे तरीके से सेट हो गया है। तो देखिए, ये हमें इस तरीके से ऐसे ये पत्तियाँ हम कट कर लेंगे, वैसे ही कर लेंगे फ्रेंड्स। और हमें फूल मैंने आपको बता ही दिया है किस तरीके से कट करना है। हमेशा मार्जिन छोड़ के कट करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि मार्जिन होना ज़रूरी है, वरना ये अंदर हमारा कपड़ा नहीं हो पाएगा और हमारी अच्छी शेप भी नहीं आएगी। तो इस तरीके से हल्का सा बाहर की तरफ, ज़्यादा गहराई से कट नहीं करना है। इस तरीके से, तो इस तरीके से ही हो गया फ्रेंड्स। और ऐसे ही हमने ऐसे ही धग्गा फिरा लेना है और हमें फिर ये फूल तैयार मिल जाएगा। तो हम बाकी के सारे ऐसे ही कर लेते हैं फ्रेंड्स, फिर आपको आगे का दिखाएंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मेरे सारे पीस हो गए हैं और अच्छे तरीके से हो गया। अगर आपको इसमें ये सिलाई लगाना, आपको ये सुई धागे से ज़्यादा मुश्किल लगे, तो इसके लिए भी एक रीजन एक अच्छा उपाय है फ्रेंड्स। ये देखिए, जैसे मैंने ये फूल ले लिया और एक मैंने चिपकाने का ले लिया। आप फेमिकोल ले लीजिए या कोई भी चिपकाने की ऐसी चीज़ ले लीजिए, जिससे कि ये चीज़ अच्छी तरीके से चिपक जाए। तो मैंने जल्दी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने ये चिपका लिया, क्योंकि इसके बाद भी हमें सिलाई लगानी है फ्रेंड्स, तो हमारा काम डबल डबल बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपके पास ये ना हो और आपके पास टाइम हो, तो आप आराम से तसल्ली से कीजिएगा। ये देखिए, इस तरीके से हम इसको मोड़ देंगे। इस तरीके से फ्रेंड्स, देखिए ये हो गया। हम इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। ये हमारा अच्छे से हो गया। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, तो थोड़ी सी देर में जल्दी से काम हो गया।
को इसी तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो अब मैंने एक ये पीस लिया है फ्रेंड्स, जिसके ऊपर हमें डिज़ाइन बनाना है फ्रेंड्स। तो ये हमने एक कुशन कवर के जितना एक हमने कपड़ा ले लिया है, जिसके ऊपर हम ये डिज़ाइन सेट करेंगे। तो मैं इस कपड़े के ऊपर पहले मैं इस कपड़े को बिछा लेती हूँ, फिर इस डिज़ाइन को सेट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा बीच में सेट हो गया है। हमने एक गोल निशान लगाया है, ये हमारा बोर्ड है। इस बोर्ड से हमने इसको ऐसे रख के यहाँ निशान लगाया राउंड राउंड, और फिर हमने अपने ये फूल सेट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्केल की मदद से लाइन लगाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम लाइन लगा लेंगे फ्रेंड्स। हमने चारों तरफ लाइन लगा ली है, देखिए एकदम अच्छी तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने लाइन लगा ली है। अब हम हमारे जो बचे हुए जो फ्लावर बच गए हैं, अब हम इसको इस लाइन पर लगाएंगे। तो मैं इस लाइन पर लगा लेती हूँ फ्रेंड्स। पहले जो हमारा थोड़ा बड़ा होगा उसे हम कोने कोने पे लगा लेंगे, और जो हमारे छोटे फ्लावर होंगे उसे हम बीच में लगा लेंगे। तो अब हम लाइन लगा लेते हैं फ्रेंड्स फ्लावरों की, फिर मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये सेट हो गया है अच्छी तरीके से। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो हम हरे फूल पे सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से, कली की तरह। तो हम ये सारा सिल लेते हैं फ्रेंड्स, और मैं इसमें सफ़ेद कलर का थ्रेड चला रही हूँ फ्रेंड्स। तो आप भी ऐसे ही चला लीजिएगा, क्योंकि मैचिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए एक ही थ्रेड चूज कर लीजिए। तो मैं इन सबको सिल लेती हूँ बारी बारी, लाइन लाइन। तो हम मैंने आपको सिलना बता ही दिया है कि एक एक फूल ऐसे ही सिलते चलेंगे। आप इसको ऐसे करना, पहले इसको पिनअप कर लेना हर लाइन पे, ताकि हमें पता रहे कि कौन सी चीज़ हमें कहाँ सिलनी है। तो जैसे हमने सेट कर लिया है, उसी तरीके से आप एक पिन ले लीजिए। और पिन भी ना ले पाए फ्रेंड्स, तो जैसे हमने ये चिपकाए हैं फ्रेंड्स, ऐसे ही आप इसको इसी कपड़े पे चिपका लीजिए और फिर सिलाई कर लीजिएगा। इससे हमारा कपड़ा भी ये भी चिपक जाएगा फ्लावर भी, और सिलाई भी आसानी से हो जाएगी। तो मैं इसको सिल लेती हूँ फ्रेंड्स पिनअप करके, फिर आपको लास्ट में दिखाऊँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये सिल गया है, कम्प्लीट हो गया है। देखिए कोई सलवट वगैरह कुछ नहीं है, और कितना खूबसूरत बना है फ्रेंड्स। तो आप भी ऐसे खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन बनाते रहिए फ्रेंड्स। ये मैंने कुशन कवर का फ्रंट कवर बनाया है, आप चाहे तो पिलो कवर बनाइए, कुछ भी डिज़ाइन यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको डिज़ाइन बनाना सिखा दिया फ्रेंड्स। तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी के लिए बाय।